हिट से अगेन ये हिट हो गया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार मैं आया हूं गांव के अंदर, मेरे हाथ में आप गन देख रहे हैं, ये एयर गन। आज हम निकले हैं शिकार करने के लिए। तो यार ये तो आप लोग जानते हैं, अगर आदमी गाँव आए और गाँव वाली वाइब ना आए तो मजा कैसा। तो अभी हम चलते हैं शिकार करते हैं, शिकार के बाद शाम का जो डिनर होगा आपका भाई शिकार के साथ करने वाला है। तो यार गन को देख के कवों की काएं काएं लग गई है। अभी पूरे व्लॉग में ये जो सीन बने हैं कवों वाले, बड़े मजेदार बनने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने रूट की जानिब, ख्याल रखिए अपना। गाइस अगर आप लोग शिकार के लिए निकल रहे हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए मैं नीम को लेके भाग आया हूँ, और साथ में ठंडा पानी जरूर रखें। तो गाइस उम्मीद है कि शिकार है यहीं पे और हम लोग जा रहे हैं उसके पीछे। वाओ डव, मैं यहीं बैठना चाहता हूँ। ये बैठिए बस, कौवा 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 कौवा। तो गाइस फिर से कौवे ने हरकत की और डव उड़ गई। कहा ना तो गाइस पहला तो मिस हो गया, अब ये लग जाए दुआ करो। ऊपर ऊपर बैठा हुआ हिट हिट हिट, एंड ये गिर गया। फाइनली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसके सर के ऊपर लगता है हिट हुआ है। सर पे लगा हुआ है, गर्दन पे लगा है। तो गाइस पूरा चेस्ट के ऊपर हिट हुआ इसे, माशाल्लाह। गाइस जैसे वो गर्दन निकाल के बैठा हुआ था दरख्त के ऊपर, फुल उम्र उम्र, तो गर्दन के अंदर ही हिट हुआ है। बस यहाँ पर हम चांस लेने लगे हैं, देखते हैं दूर से लगता है कि नहीं लगता। मिस मिस हो गई। तो यार कोई बात नहीं, चांस तो लें क्योंकि मैं, ओ माशाल्लाह एक बैठा है ऊपर फिर से। तो भाई ये लगना चाहिए, खड़े माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही बैठा है। अगर ये हिट हो जाता है तो क्या बात है। ओए होए 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 होए, मिस हो गया, थोड़ा सा दूर बैठा हुआ था। चलो जी हम अब निकलने लगे हैं, गन आ गई है मेरे पास अगेन। अब हम जाने लगे हैं अगली लोकेशन पे, देखते हैं कब हमें मिलता है अगला। तो गाइस वंस अगेन हमारे शिकारी भाई की नज़र पड़ गई है शिकार के ऊपर, और मेरे ख्याल में ऊपर कहीं पे बैठा हुआ है। मैं यहाँ से नीचे नीचे से छुप छुप के जाना पड़ेगा। पिछू पिछू हिट, इट्स हिट, ये आ गया है माशाल्लाह। से वीआईपी हिट हुआ है और सीधा धड़म से नीचे। तो अब हम उसे हलाल करने लगे हैं। तकदीर बताऊं कि ये हिट कहाँ पे हुआ यार, एयरगन से शिकार करना बड़ी मुश्किल बात होती है। ये देखें माशाल्लाह साइड विंग में उसे हिट हुआ है। तो शोपर उठाते हैं, शोपर के अंदर डालते हैं माशाल्लाह से। दूसरा हमें डव जो है वो मिल गया, इसे स्पोर्टी डव कहते हैं और हमारी जबान में इसे गेरा कहते हैं। वाह वाह, शोपर उठाते हैं, शोपर लेके चलते हैं। गाइस आज मज़ा आने वाला है, खाने में बड़े मज़ेदार चीज़ें बनने वाली हैं आज। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दो आ गए हैं हमारे हाथ में, दो पीस स्पोर्टी डब के। तो गाइस कौवे की कारस्तानियाँ फिर से शुरू, गन देखी नहीं और काएं काएं शुरू, शिकार खराब करने के लिए पहले आ गए। अब हमने गन पकड़ ली, ये हो गया हमारा मिस डब बैठा हुआ अभी तक, दुआ करें उड़े ना। दूसरा सेकेंड भी आगे बैठी है ऊपर ही, ये हिट होगा इंशाल्लाह। हिट 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 हिट, भाई 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 तो गाइस माशाल्लाह से अगेन ये हिट हो गया। ये ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो यार पहले इसे तकबीर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक और इसे भी। माशाल्लाह हिट 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 हिट, देख 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 देख, एक ऊपर ऊपर ये यही। तो गाइस अगेन हिट हुआ यार, चौथा हमारा पांचवा था, ये पांचवा डब था, उसे हिट हो चुके माशाल्लाह से। हिट होने के बाद वो उड़ा है, उड़ के अब किकर के दरख्त के ऊपर जाके बैठ गया। अब हम वहीं पे जा रहे हैं यार, आप लोग सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी से। बाइक में चला रहा हूँ, ओहो कैसे, हाँ जी
दुआ करें कि ये वाला हिस्सा हमारे पास फिर से आ जाए अगेन। हाय 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 हाय, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। बाइक को हम नीचे उतारने लगे हैं यहाँ से। तो गाइस जो हो जाए जख्मी उसका तो हाथ में आना लाजमी है ना, तो वो बेचारा एक तो है भी जख्मी, सर्वाइव वैसे भी नहीं कर सकेगा। हलाल हो जाए और हम खा लें यार। चला तो नहीं गया, सुनसान बेअबान में हम ऐसे ही घुस के आ जाते हैं यार, एक तो डर भी बड़ा लगता है। खैर कहाँ गया, कहाँ गया आखिर, देखते हैं है या नहीं। आया इधर ही था यार, सड़सड़ाहट की आवाज़ आ रही है, एक तो मुझे लगता भी बड़ा डर है। कांटे हैं, पहले भागता आया हूँ, मैंने देखा ही नहीं है यहाँ पर, वो कांटे पड़े हुए हैं रास्ते में। अल्लाह ताला ने बचा लिया यार, किक्कर का पूरा दरख्त कटा पड़ा है, अंधा होके भागता आ रहा था। ये देखें कांटे, खैर मिस हो गया फिर से। अब हम आगे देखने के जा रहे हैं यार। मज़े की बात यह है कि एक ही जगह के ऊपर, एक ही लोकेशन के ऊपर बार बार दो बार हमें मिले हैं और माशाल्लाह से दो बार हिट हो चुके हैं। मुझे लगता है फिर से वहाँ पर बैठिए आके कुछ है। सो गाइस अब हम रुक गए हैं पानी पीने के लिए। आप लोग भी अपने साथ जब शिकार खेलने के लिए जाएँ तो पानी ज़रूर साथ पकड़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस अब सीन है ब्लैक विंग का, और ब्लैक विंग हमें देखते साथ ही उड़ गया। पहले पहले कहाँ पे बैठ रहा है, कहाँ पे बैठेगा, कहाँ बैठेगा, कोई चांस? ये नहीं, बाइक को थोड़ा सा आगे कर लूँ फिर आपको सीन दिखाता हूँ। बाइक को आगे करते हैं फिर उसके बाद जो सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जगह जो है, ये लास्ट टाइम वाली जगह है, इधर जो है डव जो इतनी इंतहा की बैठी होती है। डव को जो खाने का मजा है ना, वो मैं कहता हूँ आप लोग एक बार डव को खा के देखें, तब आपको ही पता लगेगा कि डव को खाने का कितना मजा है। डव वो उसे अच्छे तरीके से अगर बनाया हो ना, जो फूडी बंदा है जो शिकार को खाना पसंद करता है, तो यार डव वो और बिल्कुल अच्छे तरीके से भुना हुआ हो तो इतना मज़ेदार कि आप मुर्गे वगैरह, मुर्गियाँ, देसी मुर्गे को भूल जाएंगे। अभी यहाँ पर डव माशाल्लाह लाइन में बैठे हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास बंदूक होती तो कमाल का सीन बनता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक आध भी डव गिर जाता है यहाँ पे तो मज़े लग जाने वाले हैं। माशाल्लाह से लाइन में बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। आप लोग सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी से। हम लोग ये कैप्चर करेंगे दूर से बैठ के, थोड़ा सा दूर में बैठ के कैप्चर करेंगे, करीब नहीं जाएंगे क्योंकि हम चांस मिस नहीं करवा सकते। हाँ जी, ठीक हो, तबीयत ठीक है, फिट फाट? सो गाइस यहाँ से हिट कर रहे हैं, क्या सीन बनता है देखते हैं। तोड़ते शाम को इन्हें कोई पूछ ले, पिछली दफा ऐसा आया हंसे वाला और ये है। सो गाइस हिट तो हुआ है लेकिन काम जो वो नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट इतनी होती है कि ये फौरन उड़ जाते हैं। या हमारे पास जो एयर गन है वो अच्छी नहीं है, हमारे पास एयर गन है उसका नाम तो है जी रैम्बो, रैम्बो गन का नाम है, लेकिन पता नहीं कंपनी ने बनाना अच्छी कंपनी ने अच्छी बनाना बंद कर दी है। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है, इस एयर गन के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, नेक्स्ट टाइम हम कोई अच्छी गन लेके ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल में ये सीज़न का पहला शिकार होने वाला है, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट टाइम तो था मैं मुजम्मिल भाई वगैरह के साथ, लेकिन इस व्लॉग में मुजम्मिल भाई नहीं है साथ में, वो थोड़े से मसरूफ़ हैं। तो यार आप लोगों ने दो चैनल जैन अलवी हंटिंग और मैं और विलेज ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब जाके करना, उन्हें जाके देखें, उनका तो सारा चैनल भी हंटिंग के रिलेटेड होता है। मैं तो कभी कभार जब गाँव चक्कर लगे तो आपका भाई कहता है कि भाई जल्दी से शिकार की कोई ना कोई वीडियो बना ली जाए। अभी हम आगे जा रहे हैं फिर से उसी जगह के ऊपर, मेरे ख्याल में मिल गया जी। तो गाइस वहाँ से वो एम ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई हिट होगा इंशाल्लाह, लेकिन मिस अगेन मिस।
सो गाइस हमारे साथ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ठहरे हैं। 1 2 3 सब्सक्राइब सब्सक्राइब।